हाय गाइस, दिस इज वन भट्टाचार्य और इस वीडियो में बात करेंगे पाइसेस असेंडेंट के बारे में, मीन लगन के बारे में बात करते हैं इस पॉडकास्ट में। तो मीन लगन के जो व्यक्ति हैं, पाइसेस असेंडेंट के जो व्यक्ति हैं, ये काफ़ी फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, थोड़े मोटे हो सकते हैं और हाइट इनकी थोड़ी मॉडरेट होती है, ज़्यादा लंबे ना भी दिखे, थोड़ी फ्लावरी सी पर्सनैलिटी होगी, अच्छे चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है इनकी। ये अगर इनका मैनर्स देखे तो काफ़ी रिजर्व्ड होते हैं और ये क्या करते हैं, इनकी एक आदत होती है कि पहले से ये कंक्लूजन्स बना लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो कोई चीज़ को बहुत जल्दी ही अपने हिसाब से समझ के उसको उसके ऊपर एक का अपनी राय कायम कर लेते हैं। तो ये इनका एक ये इनकी एक पिक्यूलियर टेंडेंसी होती है। ये गॉड फियरिंग होते हैं, काफ़ी भगवान से इनको डर लगता है, भगवान की कोई भी गलत काम करने से पहले ये सोचते हैं और सोचते हैं कि भगवान इनको सज़ा ना दे दे, तो उस हिसाब से ये एक तरह से अच्छा है। और गलत काम करने से पहले ये भगवान को ज़रूर याद करते हैं। ये ज़्यादातर देखे गए कि ये सुपरस्टिशियस होते हैं, रिलीजियस होते हैं और अपनी लाइफ में सुपरस्टिशंस को काफ़ी इंक्लूड करते हैं ये, और रिलीजियस भी काफ़ी होते हैं, धार्मिक होते हैं, तो रिलीजन के प्रति, अपने धर्म के प्रति भी इनको काफ़ी झुकाव होता है और जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी पूजा अर्चना जो भी करनी होती है वो करते हैं। और क्या होते हैं, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं अपने प्रिंसिपल्स को लेके और रिजिड तरीके से अपना ऑर्थोडॉक्स नेचर को नहीं छोड़ पाते हैं। और इसकी कॉन्ट्रेरी ऐसा भी हो सकता है कई बार ये एथिस्ट भी हो जाए, तो रिलीजन के खिलाफ भी जा सकते हैं अपने, और किसी भी रिलीजन को ना मानने वाले लोगों में भी इस लगन को देखा गया है। ये काफ़ी ज़िद्दी प्रकार के होते हैं, काफ़ी स्टबर्न होते हैं और थोड़े से टिमिड टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है, ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर अपना करेज नहीं दिखाएंगे, झगड़ा मतलब मारपीट इस इन सब चीज़ों के प्रति इनको ज़्यादा आकर्षण नहीं होता है, तो थोड़ा डरे डरे से लग सकते हैं अपने पे रहने वाले लोग होते हैं, रिजर्व्ड। और एम्बिशन भी इनमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ये अपनी अथॉरिटी ज़्यादातर किसी पे कायम करना नहीं चाहते हैं और इस वजह से थोड़ा बिहाइंड द सीन्स काम करना इनको पसंद रहता है। ये बहुत अच्छे मित्र होते हैं, जिसके साथ भी मित्रता करते हैं उसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप निभाते हैं अपनी, और इन एजुकेशन और उसके थ्रू इंटेलेक्चुअल भी होते हैं काफ़ी, है तो एजुकेटेड होते हैं और इनको अपनी एजुकेशन लेके थोड़ा ये प्राउड भी फील करते हैं कि इतना नॉलेज इनके पास होता है। अब सेवेंथ हाउस में इनके पाइसेस असेंडेंट के पड़ता है वर्गो, कन्या राशि, ठीक है, कन्या लगन के कन्या राशि पड़ती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनके जो फर्स्ट पार्टनर है वो काफ़ी क्रिटिकल हो सकती है, तो उस वजह से इनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये दोबारा मैरिज करे, तो फर्स्ट मैरिज में इनको थोड़ी ट्रबल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल नेचर ऑफ देयर पार्टनर्स और ऑफ देयर पार्टनर। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, जुपिटर अच्छे पोजीशन से एस्पेक्ट कर रहा है और मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी है और कोई अच्छा सा प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ है जो इनके क्रिटिकल टेंडेंसी को कम कर देता है पार्टनर के, तो पहला मैरिज भी अच्छा ही जाएगा इनका। ये काफ़ी रेस्टलेस हो सकते हैं और इनको हिस्ट्री के प्रति काफ़ी झुकाव होता है, तो हिस्ट्री के प्रति ये काफ़ी झुकाव रखते हैं और माइथोलॉजिकल स्टडीज़ करना बहुत पसंद करते हैं, जो भी हमारे पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ना बहुत पसंद करेंगे। वैसे भी ये हर चीज़ हर प्रकार की नॉलेज रखना पसंद करते हैं क्योंकि इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो पढ़ाई लिखाई इनको काफ़ी पसंद होती है। जुपिटर रूल्ड है तो धर्म से रिलेटेड चीज़ों के प्रति भी काफ़ी इनको ध्यान रहता है। ये फ्रूगल होते हैं, ये बहुत खर्चालू स्वभाव के नहीं होते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं और कई बार इनको कंजूस भी बोला जा सकता है। ये ज़्यादातर देखा गया है कि इनमें ये दिखेंगे इंडिपेंडेंट, लेकिन किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं लाइफ पर, क्योंकि वही मैंने कहा है, पहले ही कहा था कि ये थोड़े टिमिड होते हैं, तो टिमिड होने की वजह से ये थोड़ा डिपेंड करते हैं, दिखेंगे इंडिपेंडेंट लेकिन दूसरों पर डिपेंड करना इनकी एक आदत होती है। ये अपने डीलिंग्स में किसी के साथ भी अगर ये डील करते हैं तो ये देखा गया है कि काफ़ी फेयर होते हैं, जस्ट होते हैं,
इनको धोखाधड़ी करना पसंद नहीं होता है, और ये अब जो भी सच्चाई की राह पे चलना है इनको बहुत पसंद है, और सत्यवादी होते हैं ये, और सच बोलना इनको काफ़ी पसंद रहता है। इनमें गुण बहुत होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं ये और अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को इम्प्रेस भी कर देते हैं। लेकिन एक ट्रेट जो सब पे हावी होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी होती है इनकी, तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कई बार देखा गया है इनको, तो इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा लगन है, इनको बस थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, और बाकी इनको लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए।